जब आप अपने फोन से कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देता है, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड का। ये साउंड अगर आप अपने फोन में बंद करना चाहते हैं, आप ये चाह रहे हो कि जब भी हम किसी को कॉल कर रहे हो उस टाइम पे यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट आता है वो अनाउंसमेंट आपके फोन में ना हो, वो अनाउंसमेंट बंद हो जाए, तो इसे कैसे ठीक करेंगे, इसे आप कैसे बंद करेंगे, इस वीडियो में हम आपको आपके फोन की एक सेटिंग बताने वाले हैं। इस सेटिंग को करिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस तरीके से बैक हो करके जाना है। यहाँ पे बैक हो करके जाने के बाद आपको प्ले स्टोर आपको अपना ओपन करना है। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डायलर वगैरह कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ऐप यहाँ पे आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पे आपको TTS यहाँ पे SLEX, देखिए ये ऐप आपको हम दिखा देते हैं। ये ऐप आपको नाम डाल के TTSLEXX आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में। इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको प्रेफर इंजन करके मिलेगा, उसके जस्ट सामने आपको एक सेटिंग दिख रही है और सेटिंग के आगे आपको एक ये तीर का निशान दिख रहा है। आपको यहाँ पे इस तीर के निशान पे क्लिक करना है। तीर के निशान पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए स्पीच सर्विस बाय गूगल और एक नीचे देखिएगा TTSLEXX, आपको ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, TTSLEXX वाला, इसको आपको इस तरह सेलेक्ट करना है। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप यहाँ से बैक होकर के जाइएगा। देखिए कुछ इस तरीके से बैक होकर के जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और सेटिंग करनी है। देखिए आपको अपने फ़ोन का जो ये डायलर होता है, देखिए ये वाला जो डायलर होता है जहाँ से आप इस तरीके से नंबर डायल करने के लिए जाते हैं, ये डायलर को आपको क्या करना है, एक अंगुली से दबा के रखना है। इस तरीके से यहाँ पे दबा के रखेंगे, ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, ऐप इन्फो पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे तरफ आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करिए। इसके बाद ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप अपने फ़ोन को एक बार बंद करके आप चालू करिए। आप अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट रिबूट करिए। रिबूट करने के बाद अब आप यहां से किसी भी नंबर पे कॉल कैसे कॉल करते हैं और देखिए हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो नोटिफिकेशन था एक बार सुना। देखिए स्पीकर हमने खोल दिया है और फिर से हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। देखिए यहां पे कोई भी यहां पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दिया है। दिस कॉल इज बीइंग का जो बीइंग इज रिकॉर्डेड का जो यहां पे साउंड आता था वो साउंड यहां से बंद हो चुका।